हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था और जिसके ऊपर आज हम ये वीडियो बनाने वाला है। और ये जो कमेंट और ये जो वीडियो है, एक लाइक एक ऑनेस्ट डाउट होता है हर एक स्टूडेंट के मन में जब वो एडमिशन लेता है, जब वो 10+2 के बाद किसी कोर्स के लिए एडमिशन लेने की लाइक वो ट्राई करता है और उसके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उसको कई सारे कोर्सेज को कंपेयर करना होता है और लेकिन बट जो प्रॉब्लम होता है वो उसको पूरी तरह से डिटेल नॉलेज, सही नॉलेज के बारे में जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दो कोर्सेज को कंपैरिजन करने वाला हूँ। फर्स्ट इज़ BAMS और सेकंड इज़ BSc नर्सिंग। तो हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम हर एक कोर्स को BSc नर्सिंग के साथ कंपेयर करने वाले हैं इस चैनल पे, बिकॉज ये चैनल हमारा मेन कोर्स तो वही है और BSc नर्सिंग उसी के ऊपर सब हम कर रहे हैं, सभी वीडियोस ज़्यादातर उसी के ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कंपैरिजन करने वाला हूँ BSc नर्सिंग और BAMS के बीच में। तो देखने वाले हैं विच इज़ द बेस्ट, कौन सा कोर्स बेस्ट है, BAMS बेस्ट है या फिर BSc नर्सिंग बेस्ट है। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में बन रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्टार्ट करते हैं BAMS से। BAMS मतलब क्या? BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन। तो ये मीनिंग है BAMS का। BAMS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके साथ जो मॉडर्न मेडिसिन है उनका कॉम्बिनेशन करके एक स्टडी पैटर्न बना के स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है। सो दिस इज BAMS। ऑन द अदर हैंड BSc नर्सिंग भी एक ग्रेजुएट कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, और यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स इन नर्सिंग एंड नर्सिंग केयर इसके बारे में आपको सिखाया जाता है और ये नॉलेज आप सीखते हो BSc नर्सिंग में। सेकेंड बात है एलिजिबिलिटी। अब BAMS के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो BAMS के लिए आपको एलिजिबल होने के लिए आपको 10+2 मतलब आफ्टर साइंस स्ट्रीम में 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स में आपको 50% से लेकर 60% तक का स्कोर आपका होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। अब कुछ ये डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे, कुछ कॉलेजेस के पॉलिसीज, यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिसी के अनुसार 50% to 60% ये डिफर करता है। और उसी तरह बात करते हैं जब BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग में आपको एलिजिबिलिटी के लिए PCB+E, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, 45% से लेके आगे 50% तक, इससे स्टार्टिंग आपका होना चाहिए आपके एग्रीगेट मार्क्स का। तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज एज, एज फॉर BAMS। अब BAMS के लिए कौन से एज में आप अप्लाई कर सकते हो? आपका एज होना चाहिए फ्रॉम 17 years to 25 years फॉर BAMS, और BSc नर्सिंग के लिए एज क्राइटेरिया ज़्यादा है। 17 years to 25 ये नॉर्मल तो है, बट इसके आगे आप 35 years तक भी आपकी एज हो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो BSc नर्सिंग के लिए एज क्राइटेरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू BAMS। नेक्स्ट इज द कोर्स एंड द कोर्स ड्यूरेशन। तो BAMS का जो कोर्स है इसमें जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 5.5 years, लाइक 5.5 साल का ये कोर्स होता है। 5 years और 6 months का ये जो कोर्स है उसमें से 4 years और 6 months ये जो पीरियड होता है, ये जो सेशन होता है, इट इज़ ऑफ एकेडमिक्स एंड द रिमेनिंग 1 year इज ऑफ इंटर्नशिप। सो दिस इज द कोर्स एंड द कोर्स ड्यूरेशन ऑफ BAMS। उसी तरह बात करते हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 years का है। इससे पहले होता था कि BSc नर्सिंग के लिए इंटर्नशिप कंपलसरी होती थी, लेकिन अब कुछ इंस्टीट्यूट्स में BSc नर्सिंग के लिए इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years, उसके बाद 1 साल, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 6 months की भी होती है। और ज़्यादातर अभी BSc नर्सिंग के जो कोर्स है 4 years का, उसमें ही इंटर्नशिप किया, मतलब उसमें ही इंटर्नशिप इंक्लूड की गई है। तो ये डिफरेंस है इंटर्नशिप का, कोर्स का और कोर्स ड्यूरेशन का। अब BSc नर्सिंग और BAMS का सिलेबस क्या है, ये बात हम कंपेयर करने वाले हैं। जब बात करते हैं BAMS की, तो ये जो 4.5 years, मतलब 4 years और 6 months, ये जो एकेडमिक सेशन है, तो ये एकेडमिक सेशन 3 parts में, 3 professional courses, 3 professional parts में इनको डिवाइड किया गया है। और हर एक प्रोफेशनल पार्ट 1.5 years का कंसिस्टेड है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीखते हो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड द हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, तो ये आप सीखते हो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स, फर्स्ट प्रोफेशनल कोर्स। सेकेंड पार्ट में आप सीखते हो साइकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स,
फार्मास्यूटिकल इन आयुर्वेदा और ये सब बात आप सेकेंड मॉडर्न मेडिसिन और ये सब बात आप सीखते हो सेकेंड पार्ट में। और जो फाइनल और लास्ट पार्ट होता है थर्ड पार्ट, वहाँ पे आप मॉडर्न मेडिसिन, एनाटॉमी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स, इंटरनल मेडिसिन और ये स्किन कंडीशन, स्किन केयर, ये सारे बात यहाँ पे आप सीखते हो। अब दोस्तों ये जो बात मैंने बताई इंग्लिश में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो इनको अब ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको आयुर्वेदिक लैंग्वेज में भी सिखाया जाता है, संस्कृत में भी सिखाया जाता है। तो फिर शरीर रचना, रचना क्रिया, तो शरीर क्रिया, ऐसे कुछ नाम्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स का। तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन चाहिए, हर एक सब्जेक्ट का उनका नेम क्या है आयुर्वेदा में, तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं या फिर नीचे कुछ लिस्ट भी दे दूंगा मैं इफ़ पॉसिबल, एंड यू कैन नो अबाउट द नेम ऑफ दिस सब्जेक्ट्स इन आयुर्वेदा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में जो सिलेबस, ये 4 साल का कोर्स होता है और हर एक ईयर में, फर्स्ट ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड ईयर में 5 और थर्ड और फोर्थ ईयर में 3-3 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फिर आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मैनेजमेंट और उसी के साथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स सीखते हो। और उसमें इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स और सबसे लास्ट में फाइनल ईयर में आपको रिसर्च ये सब्जेक्ट भी होता है, मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट होता है। तो ये सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग का। सो इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, हर एक ईयर में अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं एंड दिस इज द सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग। नेक्स्ट बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल ऑफ द आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स एंड द जॉब प्रोफाइल ऑफ द बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट। तो जो फ्रेशली आयुर्वेदिक ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो फ्रेशली आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स होते हैं उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है, ही कैन बी अ फिजिशियन, ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ मैनेजर, ही कैन बी अ ड्रग मैन्युफैक्चरर, क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, हेल्थ सुपरवाइजर, मेडिकल सुपरवाइजर। तो इतनी अच्छी और इतनी बड़ी जॉब प्रोफाइल आपकी हो सकती है इफ़ यू कंप्लीट बीएमएस। तो बीएमएस के बाद ये जॉब प्रोफाइल आपकी होती है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग में यू कैन बी अ नर्सिंग एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, सुपरवाइजर्स, टीचर्स एंड देन स्टाफ नर्स, टीचर्स ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। तो ये जॉब प्रोफाइल होती है बीएससी नर्सिंग में। और इसमें बहुत ज़्यादा और जॉब प्रोफाइल्स है जो इंक्लूड है, लेकिन मैं इसमें से कोई फोकस कर रहा हूँ, कुछ बस सिलेक्टेड टॉपिक्स को, सिलेक्टेड प्रोफाइल्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये बात थी जॉब प्रोफाइल्स की। तो बीएमएस कोर्स अगर आपको करना है तो वहाँ पे फीस होती है 50,000 से लेकर 70,000 तक। और उसी तरह अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो वहाँ पे फीस होती है लगभग स्टार्ट करती है 50, 60 to 80, 90। तो लगभग सेम ही होता है जो फीस का जो स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट सेम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में बीएमएस के लिए ज़्यादा होता है और उसी तरह नर्सिंग के लिए भी ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में बीएमएस के लिए कम होता है और उसी तरह नर्सिंग में भी कम होता है। लेकिन अगर बात करें बीएमएस की, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर सभी चार्जेस अगर हम पकड़े, हॉस्टल, कैंटीन और सभी बातों को अगर हम देखें, तो 5 to 6 lakhs का ये कोर्स जा सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड सेम बीएससी नर्सिंग का भी 4 to 5 lakhs तक ये कोर्स जाता है। तो ये सभी फीस स्ट्रक्चर होता है बीएमएस में एंड बीएससी नर्सिंग में। नेक्स्ट इज द सैलरी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएमएस द फ्रेश आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स, जो फ्रेश आयुर्वेदिक ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी 20,000 से लेकर डिफर करती है, आगे तक वो प्रोग्रेस कर जाती है। उसके बाद जो पीजी ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज 50,000 से लेकर आगे, उसके आगे उनका जॉब 40,000 to 50,000 तक की सैलरी उनको मिलती है, वो प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं यूजी के आफ्टर बीएमएस, उनको सैलरी इट स्टार्ट फ्रॉम 20,000 एंड इट डिफर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन जहाँ से वो स्टडी करके आते हैं और वो इंस्टीट्यूशन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट सैलरी इन बीएमएस। ऑन द अदर हैंड बीएससी नर्सिंग का जो सैलरी होती है फ्रेशर्स के लिए 12,000 से लेके आगे तक की सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। एंड एज योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपका जो पैकेज होता है सैलरी का पर ईयर वो बढ़ सकता है। सो द पैकेज कैन बी 2.5 lakhs टू द अबव, डिपेंड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी और द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बीएएमएस में आप आइदर पब्लिक सेक्टर में काम कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर दोनों में भी काम कर सकते हैं।
सिमिलरली बीएससी नर्सिंग में भी आप गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आप काम कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज होती है। बीएमएस होता है वहाँ पे फर्स्टली इन द पास्ट ईयर्स वहाँ पे दो ऑप्शन होते थे, आइदर आप हायर स्टडीज करो, एमएस करो, एमडी करो, या फिर आइदर यू आपका खुद का पर्सनल प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, खुद के पर्सनल क्लिनिक्स लेके आप खुद का जॉब कर सकते हो। तो ये था पहले, और बीएससी नर्सिंग के लिए भी वही ऑप्शन है, आइदर टू टेक हायर स्टडीज और यू कैन बी अ टीचर, नर्सिंग ट्यूटर, लेक्चरर, या फिर आप एक स्टाफ नर्स बन सकते हैं। तो आपकी जो सैलरी वो डिपेंड करने वाली है आपके इंस्टीट्यूशन में कहाँ से आप आते हो और कौन से इंस्टीट्यूट में आप जाते हो उस पर। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन बीएएमएस एंड बीएससी नर्सिंग। आपके हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट है, बीएएमएस बेस्ट है या फिर बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया बगैर बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.